फाइनली हनी के घर में हो गई एंट्रेंस और हनी हो गया इस घर का मालिक। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, हनी का हो गया है गृह प्रवेश। उसका जो होम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। फाइनली हम अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं और आज पूजा है और हनी और निधि काफ़ी खुश हैं, तो हम भी काफ़ी खुश थे अंदर जाके। अंदर का जो माहौल था, पूजा पाठ हवन वगैरह चल रहा था और आज हनी के लिए बहुत अच्छा डे था क्योंकि आज वो अपने घर पे फुली सेटल हो गया है और मम्मी भी हमारी बहुत खुश थी। और बाकी पूजा पाठ और हवन का जो काम है वो पंडित जी हमारे कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा यार मैं क्या करूं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सब्ज़ी काट देते हैं, जो भी थोड़े बहुत गेस्ट आएंगे तो उनके लिए खाना तो बनाना ही था। और फाइनली पूजा भी कंप्लीट हो गई। पूजा में मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो है हवन। हवन से जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। आई लव हवन। काहे की सब्जी बना रहे हो? अच्छा बताओ कैसे बनाओगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कन्या होती हैं छोटी बच्चियां उनको खाना खिलाया, दीदी ने खिलाया। और फिर हमारी मैडम ये आ गई थी, इनका कुछ काम था उसके बाद थोड़ा लेट आई। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, पूरी बनाई और दाल के बड़े बनाए, थोड़ा सूजी का हलवा बनाया और मिक्स वेज बनाया और क्या था, हाँ रायता बनाया और खीर, आई थिंक खीर। उसके बाद फाइनली हमने सोचा, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि यार आज गृह प्रवेश है तो क्या गिफ्ट करा जाए। तो उनका जो दीदी लोगों का, जिया जी लोगों का जो हमारा टीवी का जो पैनल था खाली पड़ा था, तो सडनली हमारे माइंड में एक प्लान आया। हमने कहा चलो क्यों ना टीवी खरीद के दे दिया जाए, नया घर नया टीवी। और वन प्लस का टीवी लेके आए हम और काफ़ी अच्छा टीवी था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको और इसलिए हमने वो टीवी उन्हें गिफ्ट किया। आई होप आपको वो ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।